हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट इंडिकेटर बताने वाला हूं। आप लोग को मन में काफी सारे सवाल जवाब रहते हैं कि मुझे कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, तो ये जो इंडिकेटर है इसी के बारे में बताता है। अगर आप नए हो तो इस इंडिकेटर को आप लोग दम समझने की जरूरत है, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको दूसरे के भरोसे रहना पड़ेगा कि मुझे किससे पूछना है कि मुझे कब बाई करना है, कब सेल करना है। तो इस इंडिकेटर को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस इंडिकेटर को जानने के लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप इस इंडिकेटर को बैक टेस्ट कीजिएगा, तभी आप समझ पाइएगा, क्योंकि बैक टेस्ट करना काफी जरूरी होता है। क्योंकि फ्रेंड, कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको कुछ भी बता के चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको बैक टेस्ट करके देखना चाहिए। किसी यूट्यूबर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और किसी से फिर फ्रेंड, ये इंडिकेटर जानने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कब बाय करना है और कब सेल करना है। और ये इंडिकेटर ज्यादातर फ्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि कोई है जो मतलब कि बजाज फाइनेंस को अभी खरीदना चाहता है या फिर एलएनटी फाइनेंस को खरीदना चाहता है, तो वो सोचता है कि इतना मार्केट गिरा हुआ है तो मैं कब खरीदूं। तो ये जो इंडिकेटर है आपको सिग्नल दे सकता है कि कब आपको बाय करना है और कब सेल करना है। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आप लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल लीजिएगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोलने के बाद आप लोग यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कीजिएगा। चार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग ओवरले में जाइएगा। ओवरले में जाने के बाद आप लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ बॉक्स खुल जाएगा। तो आपको पीरियड वन में टाइप करना है, यहाँ पे 50 टाइप करना है, आपको 200 टाइप करना है। और इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये खुल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग एक साल या दो साल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, दो साल मैं कर लेता हूँ। तो देखो, मैं दो साल इसलिए किया हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि जो अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी रहते हैं ना, वो टच करने के बाद, मतलब क्रॉस ओवर होने के बाद वो चलना शुरू कर देते हो। देखो यहाँ पे यही सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, तो ये जो रेड वाला जो लाइन देख रहे हो, रेड वाला जो सिग्नल देख रहे हो, वो एक्सपोनेंशियल 50 डेज का है, और ग्रीन वाला एक्सपोनेंशियल 200 का है। और फ्रेंड, ये जो ब्लू वाला है, ये बजाज फाइनेंस का शेयर का प्राइस है। तो यहाँ पे शेयर का प्राइस इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो, ये जो प्राइस जो इंडिकेट हो रहा है, ये इसको टच कर चुका है, ग्रीन वाला लाइन को, मतलब कि टच करके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड नीचे आ चुका है। तो देखो, ये जो टच जब भी करता है ग्रीन वाला लाइन को, यहाँ पे देखो, उससे पहले भी टच किया था, ये 21 फरवरी 2018 को टच किया था। तो यहाँ से जब टच किया था तो ये स्टॉक ऊपर प्राइस भागने लगा था। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि फ्रेंड बजाज फाइनेंस में आप बाय सिग्नल अब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लू वाला लाइन है जो ये ग्रीन वाला लाइन को टच कर चुका है। अगर फ्रेंड मैं बैक टेस्टिंग करूं तो बैक टेस्टिंग में फ्रेंड यही पता चलता है कि जब भी ब्लू वाला लाइन जब टच करता है तो स्टॉक ऊपर भागना स्टार्ट हो सकता है। तो फ्रेंड, अभी तो ये सिग्नल यहाँ पे पूरा क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी लगता है कि दो दिन लग सकता है या फिर एक दिन लग सकता है। कल जब मार्केट खुले तो आपको शायद बजाज फाइनेंस से पूरा यहाँ पे सिग्नल मिल सकता है कि हाँ, ये पूरा दिखाई दे सकता है। तो वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन फ्रेंड आप एक दिन पहले ही पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर कल पता लगाते हो तो कल 2-3% स्टॉक भाग जाता है मार्केट खुलने के बाद, तो भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो मैं इंडिकेटर लगाया हूँ लॉन्ग टर्म वाला लगाया हूँ, मैं शॉर्ट टर्म वाला नहीं लगाया हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए लगाया हूँ। और उससे फ्रेंड और भी मैं फ्रेंड बता दे रहा हूँ आपको। तो देखो, यहाँ पे भी टच किया तो ये स्टॉक ऊपर भाग गया, और यहाँ पे भी टच किया तो ऊपर भाग गया। तो जब भी वाला फ्रेंड, जब भी ब्लू वाला लाइन ग्रीन वाला लाइन को टच करता है या फिर रेड वाला लाइन अगर ग्रीन वाला लाइन को टच करता है, तो समझ लो कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। और बैक टेस्टिंग में फ्रेंड यही, यहाँ पे भी आपको पूरा बैक टेस्टिंग में आप देख सकते हो, क्योंकि बैक टेस्टिंग करके आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और देखो, जब तक ये स्टॉक, जब तक ये रेड वाला लाइन हो या फिर ब्लू लाइन हो, ग्रीन वाला लाइन को नहीं टच करता है, नहीं इसको क्रॉस ओवर होता है, तब तक ये स्टॉक नीचे भी नहीं आता है और ऊपर ही चला जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लू लाइन नीचे आया, उसके बाद जो यहाँ पे जो सिग्नल दिया वो काफी देर तक देता ही रह गया, ये स्टॉक ऊपर जाता ही रहा। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब है कि आप इस सिग्नल को आप यूज कर सकते हो, और मुझे सक्सेसफुल ये सिग्नल देता है, कोई आपको धोखा भी नहीं देगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। और फ्रेंड यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो, इसने टच किया 10 जनवरी 2012 को। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, 10 जनवरी 2012 को टच किया तो ये स्टॉक ऊपर भागना स्टार्ट हो चुका था। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब है, जब भी इसको क्रॉस ओवर होता है या फिर उससे नीचे आता है तो ये स्टॉक ऊपर भागना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड, ये लंबे समय का मैं बता रहा हूँ, मतलब कि अगर किसी लॉन्ग टर्म को खरीदना है तो उसके लिए मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टू ईयर का मैं लगाया हूँ।
अब मैं बात कर लेता हूँ जिनकी पोजिशनल होल्डिंग रहती है, जो डिलीवरी लेके बैठे रहते हैं, तो वो लोग जब मार्केट में जब गिरावट आता है तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा स्टॉक भी नीचे जा सकता है, तो मैं किस प्राइस पे सेल कर दूं। तो उसके लिए फ्रेंड आपको जो इस्तेमाल करना है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। बस आपको पीरियड आपको चेंज करना है, पीरियड आपको रखना है 20 डेज पीरियड रखना है, और पीरियड 3 में फ्रेंड आपको रखना है 30 डेज, सॉरी 40 डेज रखना है, और यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये बजाज फाइनेंस का ही है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस का जो सेल सिग्नल मिल चुका था वो यहाँ पे इसके हिसाब से ये 2499 मिल सकता था। आप यहाँ पे फ्रेंड अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर और कम कर देते हैं, मतलब कि 10 और 20 कर देते हैं, तो और आपको पहले ही मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को खरीद के रखा है, तो आप ये 20 और 40 का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड स्टॉक कभी भी ऊपर जा सकता है, तो आप डेली बाय और सेल करोगे तो पैसा नहीं बन पाएगा। तो देखो यहाँ पे सेल सिग्नल मिल चुका था, और मैं ज्यादातर इसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ। अगर किसी स्टॉक में अगर मुझे पैसे की जरूरत हो और मुझे बेचना हो, तो मैं इसी स्टॉक को इसी मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग का एवरेज का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और फ्रेंड ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आपको बाय भी सिग्नल जनरेट देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो रेड वाला जो लाइन जो नीचे था, मतलब कि रेड वाला जो लाइन है ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो नीचे था अगर ये क्रॉस ओवर होकर अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाय सिग्नल मिल जाता है। तो आप इस इंडिकेटर से आप बाय सिग्नल भी ले सकते हो। और भी मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ, क्योंकि बैक टेस्टिंग करना फ्रेंड काफी जरूरी होता है, किसी भी इंडिकेटर को जानने हैं तो उसकी अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग कीजिए, तभी आप समझ पाइएगा। और मैं बैक टेस्टिंग करके देख रहा हूँ, तो ये तो अभी रेड वाला लाइन ऊपर ही है, तो अभी ये ऊपर ही जा रहा है। जब तक फ्रेंड रेड वाला लाइन जब तक ऊपर है, जब तक आपका स्टॉक आपका ऊपर ही जाता रहेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो, हाँ मैं आपको यहाँ पे मिल गया मुझे, हाँ देख सकते हो यहाँ पे रेड वाला जो लाइन है, ये रेड वाला जो फ्रेंड लाइन है ये नीचे आया, मतलब कि ग्रीन वाला लाइन क्रॉस करके नीचे आया, तो जाहिर सी बात है स्टॉक ही नीचे आते ही गया। और जैसे ही फ्रेंड रेड वाला लाइन टच करके ऊपर गया, ऊपर की ओर चला गया, ग्रीन वाला लाइन से ऊपर चल गया, तो ये स्टॉक बाय सिग्नल जनरेट दिया। और बाय सिग्नल जो फ्रेंड जनरेट दिया वो काफी दिनों तक रहा, ऐसा नहीं है कि बस एक दिन दो दिन रहा 3 दिन रहा, ये बहुत दिन तक रहा, आप भी देख सकते हो। और भी फ्रेंड मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा फ्रेंड वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं फ्रेंड यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो सिग्नल है फ्रेंड बहुत लंबे समय तक रहता है, तो बैक करने में भी काफी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे देख लो, तो अभी तो फ्रेंड यहाँ पे रेड वाला ऊपर ही है, तो रेड वाला जब तक फ्रेंड ऊपर रहेगा, जब तक ये स्टॉक में रैली जारी रहती है। और मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये यहाँ पे रेड वाला जो लाइन है वो ग्रीन वाला लाइन से नीचे आया, ग्रीन वाला लाइन से नीचे आया, तो ये नीचे भी स्टॉक थोड़ा सा है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड ये रेड वाला लाइन ग्रीन वाला लाइन से ऊपर गया, तो जैसे ही स्टॉक ये दौड़ना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको किसी स्टॉक को खरीदना है या फिर सेल करना है, तो यही यही चीज आप करना, तभी आप सक्सेसफुल आप इन्वेस्टर बन सकते हो। और ट्रेडिंग के लिए फ्रेंड आपको तो वो दूसरा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, उसमें आपको डेज कम रहेगा, 1 डेज का रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि बिगनर्स इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए फ्रेंड बहुत इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्टॉक में आप डेली ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। हालांकि बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल बताएंगे कि डेली मुझे ये स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए, फिर वो स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए, हाई लो देखना चाहिए, तरह तरह के देखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ बजाज फाइनेंस में ट्रेडिंग कीजिए, या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कीजिए, या फिर निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कीजिए। इसके अलावा आप किसी में ट्रेडिंग मत कीजिए, नहीं तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर ये तीनों में ट्रेडिंग करते हो, तो ये तीनों में ट्रेडिंग करते हो, तो बहुत ही क्लियर सिग्नल मिलता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे अप में खरीदो या फिर डाउन में खरीदो, मतलब कि बाय करो या सेल कर दो, आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो देखो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, और ये जो लाइन है वो 200 मूविंग डेज का लाइन है, तो ये लाइन आपको ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो देखिए ये जो रेड वाला जो लाइन है, 50 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इससे ऊपर ये बड़ा सा कैंडल बनाया, ये ग्रीन वाला, तो मतलब बाय सिग्नल जनरेट हुआ, और इसको टच भी नहीं किया, और ये जो बड़ा यहाँ पे जो बनाता है, ये पतला सा जो बनाता है वो भी नहीं है, तो यहाँ पे समझो बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है और बड़ा कैंडल बना चुका है, मतलब आपको बाय करना है। अगर इस रेड लाइन के नीचे अगर बड़ा सा कैंडल बनाता है, तो आपको सेल करना है। जैसे फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, इस यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रेड वाला लाइन के नीचे बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बना दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना दिया, तो
तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है और सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद ये स्टॉक नीचे गया और आप लोग भी देख सकते हो यहाँ से स्टॉक बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा सा जो कैंडल बनाया यहाँ से ऊपर गया, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। और ये देखो ये 200 मूविंग डेज का है, तो देखो यहाँ पे इस ग्रीन वाला लाइन इसको टच नहीं किया और ना ही इसके ऊपर गया, इसके नीचे ही है, तो अभी इसमें बाय नहीं करना है। इसके ऊपर अगर ऐसा अगर कैंडल बना देता है हरा वाला जो बड़ा वाला कैंडल अगर बनाता है तभी आपको बाय करना, नहीं तो आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी आपको इंतजार करना है, इसको टच करने का इंतजार करना है, तभी आप बाय कर सकते हो। अगर इसके नीचे अगर इससे थोड़ा सा अगर बड़ा कैंडल बना देता है, रेड वाला बड़ा कैंडल बना देता है, तो आपको सेल करना है, और सेल करके थोड़ा सा नीचे आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और फ्रेंड मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूं। तो देखो ये जब भी फ्रेंड रेड वाला लाइन को क्रॉस करके जब भी ऊपर अगर नहीं जाता है तो आपको बाय सिग्नल बिल्कुल भी नहीं लेना है। और देखो ये क्रॉस भी नहीं किया, रेड वाला सिग्नल इसके नीचे ही है और इसी के ऊपर है, आसपास ही है, तो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। इसके ऊपर अगर बड़ा सा अगर हरा सा लाइन अगर बना देता है, कैंडल बना देता है, तभी आपको बाय करना है। और कम से कम एक दो कैंडल कम से कम ध्यान दीजिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो, और अगर इंट्राडे खरीदने के लिए तो थोड़ा सा ऐसा कैंडल बनाना चाहिए इसके ऊपर, तभी आपको बाय करना है। और देखो यहाँ पे इस कैंडल इस रेड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे ही स्टॉक जाएगा, तो ये सब देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर रेड लाइन के अगर नीचे ट्रेड स्टॉक करता है तो आपको सेल लेना है, और रेड लाइन के अगर ऊपर ट्रेड करता है तो आपको बाय करना है। इतना कुछ इतना ही फ्रेंड आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। और बजाज फाइनेंस में एक अच्छा क्लियर सिग्नल मिलता है तो आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। और मुझे फ्रेंड ये स्टॉक अब ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और मैं फ्रेंड बताता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो देखो लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वन डे का मैं करके बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो मैं ये पोजिशनल ट्रेड के लिए थोड़ा यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे आ चुका है। तो देखो ये 200 मूविंग डेज का है, ठीक 200 मूविंग डेज का ये, तो इस लाइन के ऊपर ही स्टॉक बंद हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब चलने के लिए तैयार हो चुका है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ये मैं पोजिशनल के लिए बता रहा हूँ, ये मैं इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अब बाजार चलना भी शुरू हो सकता है, तो ये स्टॉक इसको तोड़ा भी नहीं, 200 मूविंग डेज को तोड़ा भी नहीं, तो ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना। अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद, और आप लोग धीरे धीरे करके खरीदारी कीजिए वरना आपका मिस भी हो सकता है, तो खरीदारी कीजिए, बहुत सारे स्टॉक आपको नीचे प्राइस में मिलेंगे।